So students, after a long time we are back again on maths part 2. Last time हमने construction में in circle सीखा था, correct? In circle, जो circle हम मंदिर बनाते हैं, ठीक है? इसमें क्या दिया था? आपको तीन चीज़ दिया था, angle B दिया था, angle C दिया था, और आपको नीचे का base, यानी side दिया था. तो आपने side बनाया था, angle लेते 100, वहाँ से protractor use करके, ठीक है? Protractor यानी इसको use करके, ठीक है? Angle 100 खींचा था. फिर 50 को भी लिया था, ऐसा खींचा था, दोनों को पॉइंट पे जोड़ दिया था, उसको ए लिख दिया था, ठीक है? फिर बी से रख के आपने क्या किया था, ये राउंडर के मदद से आपने यहाँ पे और यहाँ पे कार खींचा और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था. वैसे ही आपने सी पे रख के यहाँ पे करके आर्क बनाया था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था. फिर क्या किया था आपने, ये पॉइंट जो है यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क यहाँ खींचा था, एक आर्क यहाँ खींचा था, बरोबर. फिर ये आर्क से एक आर्क नीचे मारा और ये आर्क से एक आर्क नीचे मारा और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था. फिर जितना आई और ये पॉइंट है, आई से लेके डी तक, उतना अपने राउंडर लेके पूरा एक सर्कल बनाया था. और मैंने आपको बोला था ये सर्कल का जो ये है, ये लाइन को टच होना चाहिए. मैंने एक ही हाथ से बनाया था इसलिए थोड़ा ऐसा आया था, बट मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. ओके, सो पिछले सम में आपको दो एंगल और एक साइड दिया था. अब इस क्वेश्चन में भी हमको इन सर्कल बनाना है, ठीक है? लेकिन इसमें तीनों साइड दिया है, एंगल एक भी नहीं है. लेकिन चीज़ वही है, एक ही चीज़ फॉलो करना है, बहुत ईजी है, ध्यान देना. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड बनाना है. सच डैट एक्स वाई दिया है आपको, वाई जेड दिया है और एक्स जेड दिया है. और आपको क्या करना है इसके साथ ही साथ, कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल. इन मतलब ट्रायंगल के अंदर, ठीक है? आपको मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, इन सर्कल मतलब अंदर, जिसको आई से आप दिखाओगे सेंटर में. सर्कम सर्कल मतलब जो हम ट्रायंगल के बाहर बनाते हैं उसको सेंटर में सी लिखते हैं. तो सर्कम सर्कल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, पहले मैं आपको इन सर्कल का एक बता देता हूँ. अच्छा, और एक चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग वैसे ही है, आपको टीचर ने आपको कराया रहेगा, प्रोसेस सेम है. मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ सम्स में, ठीक है? सो अभी क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, तो बेस क्या होगा, सी एक्स वाई जेड. तो वाई जेड मैंने पहले ही बना लिया, कितना है वाई जेड, 5.8 सेंटीमीटर स्केल के मदद से. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो मैं ये जो सेट स्क्वायर है इसके इसमें भी स्केल रहता है, ठीक है? लेकिन आप लोग प्लीज़ स्केल यूज़ करना. मेरे पास अभी सेट स्क्वायर है, तो मैंने सेट स्क्वायर की मदद से 5.8 सेंटीमीटर बनाया था, ठीक है? 5.8 सेंटीमीटर लिया. फिर मैंने क्या किया, अभी करूँगा मैं, एक्स वाई, ठीक है? एक्स वाई जेड मेरे को ये लाइन बनाना है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई कितना है, 6.7 सेंटीमीटर. तो मैंने पहले से ही ये सेट स्क्वायर यानी स्केल के मदद से 6.7 सेंटीमीटर ले लिया था, ठीक है? 6.7 सेंटीमीटर मैंने एक्चुअली पहले लिया. यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो रहा है दिखने में, स्केल से क्या करने का, 6.7 सेंटीमीटर ले लेने का. इसके मदद से मत लेना, ये मेरे पास है इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ, स्केल से, इज्जत से, ठीक है? वाई पे पॉइंट रखो और एक बड़ा सा आर्क खींचो, बड़ा खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिर क्या करने का, ये एक्स वाई हो गया, वैसे ही एक्स जेड, एक्स जेड कितना है, 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसको इस पर ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसको, ठीक है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हो गया 6.9 सेंटीमीटर. स्केल पे लेना आप लोग, ठीक है? 6.9 सेंटीमीटर. तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 6.9 सेंटीमीटर लूँगा. समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा x. तो मेरा अभी इसको क्या करने का, दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है? प्लीज़ पेंसिल स्किल से करना, पेंसिल स्किल से करना, कभी भी हाथ से मत करना. एक्स वाई आपका कितना लिया था आपने, 6.7 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा, नेमिंग हमेशा करना है. और एक्स जेड आपने कितना लिया था, 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है? ये प्लीज़ हाथ से नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसलिए मैं एक ही हाथ से बना पा रहा हूँ. आप लोगों को पेंसिल स्किल से करना है, कभी भी हाथ से मत करना. समझ में आ गया? तो मैंने एक्स वाई कितना लिया, 6.9 सेंटीमीटर, एक्स जेड कितना लिया, 6.9 सेंटीमीटर. अब क्या करना है, अब वही करना है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. पहले क्या करो, वाई पे रखो, ठीक है? वाई पे एक छोटा सा, कितना भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये राउंडर को छोटा किया मैंने, पॉइंट वाई पे रखो, वाई पे, ठीक है? राउंडर को एक आर्क यहाँ से खींचो और एक आर्क नीचे खींचो,
ठीक है, एक अर्घ यहाँ पे, एक अर्घ यहाँ पे, फिर थोड़ा सा इसको बड़ा करो, जो ये दोनों आर्क खींचा है वहां से, ये दोनों आर्क से मैं और दो आर्क यहाँ पे खींचूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ। तो ये जो दूसरा आर्क बनाया है वहां से लेके मैंने एक आर्क खींच लिया, फिर ये पॉइंट से भी, इस आर्क से भी मैंने एक आर्क खींच लिया। समझ में आ गया आपको? अब क्या करने का, पेंसिल सेल से ये वाई और ये आर्क जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, अब देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट है, दोनों को पेंसिल स्केल से ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, पेंसिल स्केल से, हाथ से मत करना, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे Y से किया, अब ऐसे मुझे Z से करना है। अगेन छोटा करो इसको, ये अपने आप खुद से भी मेजरमेंट ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। छोटा ले लिया, एक आर्क खींचा, यहाँ पे खींचा, दो आर्क हो गए। अब अगेन वापस ये आर्क से यहाँ पे खींचूंगा, ये आर्क से और एक आर्क खींचूंगा, सेम सेम जो अभी मैंने वाई से किया वही अभी मैं जेड से कर रहा हूँ। इसको अगेन थोड़ा बड़ा किया, ज़्यादा बड़ा मत करना, थोड़ा ही करना, ठीक है। एक आर्क ऐसे ले लिया, ठीक है, समझ, और ये पॉइंट से इससे खींचा, अभी ये आग से खींचूंगा, यहाँ पे रख के दूसरा आग खींचा, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, Z और ये जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन पेंसिल स्केल से करना, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये होगा आपका आई, जिसको हम इन सेंटर कहते हो। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आई हमने पॉइंट बनाया है, ठीक है, आई जो पॉइंट बनाया है, मैं क्या करूँगा, इस आई पॉइंट से ए का क्या खींचूंगा, एर का क्या खींचूंगा, क्यों मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक आर्क लेफ्ट हैंड साइड और उसी आई से एक आर्क राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये जो दोनों आर्क बना है, यहाँ भी ये इस आर्क से यहाँ आर्क बनेंगे और ये आर्क से हम यहाँ एक आर्क बनाएंगे। अगेन थोड़ा सा इसको बड़ा करना, हम लोग क्या बना रहे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो मैं इधर से बना दूं पहले, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये पॉइंट रखा, नीचे बनाया और अगेन अब दूसरे आर्क से नीचे बनाएंगे, समझ में आ गया। अब पेंसिल स्केल से आई और ये आर्क को पेंसिल स्केल से जोड़ना है, टेढ़ा हो गया बट ठीक है, पेंसिल स्केल से जोड़ना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको कोई भी नाम दे दो, आप दे दो ए, क्योंकि एक्स वाई जेड है तो ए दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आई ए है, ठीक है, इसके मदद से जितना ये हो रहा है वहां से एक सर्कल बना दो, आई पे रखो, आई और ए, देखा एक हाथ से कितना डिफिकल्ट होता है, चलो कोई बात नहीं, आई और ए पे मैंने रख दिया, थोड़ा सा बड़ा करना होगा, आई और ए, ठीक है। अब आई और ए से क्या करूंगा, मैं एक सर्कल मारूंगा, सर्कल खींचो आई और ए से, थोड़ा सा बड़ा हो गया सुनो, क्योंकि एक हाथ से बना रहा हूँ तो डिफिकल्ट हो रहा है बहुत, मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बट आप लोग को दोनों हाथ से करना है तो आपके लिए चीज़ ईजी होगी, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा सर्कल थोड़ा बाहर चला गया, थोड़ा नहीं बहुत बाहर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो सर्कल जो है ना बाहर निकल रहा है वो इस लाइन पे आनी चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने एक हाथ से किया, ठीक है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैं लास्ट वीडियो में भी मेरा ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मैंने एक हाथ से बनाया था, बट आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, मुझे आप पे विश्वास है, ठीक है। सो प्लीज़ आई और ई जितना रहता है अच्छे से बनाना, ये सर्कल ये लाइन पे आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, आई ट्रस्ट यू कैन डू इट। बहुत बच्चे लोग डायग्राम अच्छा बनाते हैं लेकिन लेबलिंग नहीं करते, जैसा एक्स वाई जेड नहीं लिखते, ये जो 6.7 सेंटीमीटर है, 5.8 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर है, वो नहीं लिखते। तो ऐसा मत करना, पूरा नाम देने का आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, अगली वीडियो में हम सीखेंगे सरकम सर्कल कैसे बनाते हैं। ये तो इन सर्कल हो गया, आई से सरकम सर्कल कैसे बनाते हैं हम सीखेंगे।